हे गाइस कैसे हो लो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं यूनिक विलियम निकोल्स सेल्फ यूनिक पॉडकास्ट की सीरीज में तीसरा आज पॉडकास्ट का एपिसोड है। और इस एपिसोड में आपके साथ मैंने आपको बोला था कि आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को मिलवाऊंगा जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ बड़ा कर रहे हैं और प्लस ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारे गेस्ट है वो प्रकाश है, हमारे स्टूडेंट है और ये इनको एक लंबी यात्रा जानी थी, लंबी यात्रा तक पहुंचनी थी। इसकी वजह से इन्होंने अपने करियर में जहां पर थे उससे अपग्रेड किया और अपग्रेड करके आगे बढ़े। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर कैसे बन सकता है इंसान, क्योंकि ये भी पहले एक छोटी जॉब में थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अपने प्रोफाइल को चेंज किए, सीखे और आगे बढ़े। तो आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि प्रकाश ने कैसे अपने लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, डेफिनेटली कॉलेज के बाद एक छोटी जॉब मिली, उसके बाद फिर और सीखा, फिर और आगे गए, क्या है इनकी पूरी कहानी समझेंगे। साथ ही साथ सारी कहानी आपके साथ भी कोरिलेट करेगा, तो डेफिनेटली इससे आपका भी अपग्रेडेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन शेयर माय जर्नी। ग्रेट टू यू प्लेटफॉर्म। ग्रेट प्रकाश, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली थोड़े से अपने बारे में बताओ कि तुम किस कंपनी में काम कर रहे थे कर रहे हो और साथ ही साथ पीछे कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे। मैं अभी सिद्धा ग्रुप में काम कर रहा हूँ जो एक रियल स्टेट कंपनी है, हाई राइज स्ट्रक्चर बनाता है। और पहले मैं अश्मी इंजीनियरिंग का में काम कर रहा था, वो डिटेलिंग कंपनी है जो 3D डिटेलिंग करता है, 2D डिटेलिंग भी करता है, एज अ रिबार डिटेलर काम कर रहा था वहाँ पे। ओके, अभी इधर मैं जूनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम कर रहा हूँ इन सिद्धा ग्रुप। ओके, ठीक है। तुम्हारे लाइफ से जो मुझे लगा कि लोग सीखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुमने रिबार डिटेलर की प्रोफाइल से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कैसे शिफ्ट किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई लोग ना दूसरे प्रोफाइल में चले गए हैं, अब उनको इस प्रोफाइल में आना है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए तुमने क्या किया? जब मैं रिबार डिटेलर का काम कर रहा था तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग का आइडिया मिल रहा था कि कैसे रिबार टू डी ड्रॉइंग में रिबार प्लेस होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग डिटेलिंग ड्रॉइंग आता है। तो मैं वहीं से मैं बीटेक किया है सर, तो मुझे और डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं धीरे धीरे डिजाइन सीखने लगा, मैनुअली सीखने लगा, फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखने लगा। तब एक अपॉर्चुनिटी मैं लिंक्डइन के थ्रू मैंने देखा कि सिद्धा ग्रुप में एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। फिर वहाँ पे मुझे एज अ जूनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिक्रूट किया गया। तो वहां से तुमने चेंज किया अपनी प्रोफाइल को और आराम से चले गए, राइट? और आई थिंक अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा तुमको भी अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि काम में भी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बीइंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, राइट? तो अभी तुम एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो कंपनी में, मतलब कि वर्क क्या कर रहे हो? हम लोग तो सर रियल एस्टेट ग्रुप है, हम लोग डायरेक्टली ड्रॉइंग नहीं करते हैं, हम लोग का वहाँ पे कंसल्टेंट के थ्रू GFC आता है, हम लोग वेटिंग करते हैं उस ड्रॉइंग का। ओके, एक्चुअली वेयर दैट वेटिंग करते हैं, जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग कंसल्टेंट के थ्रू आता है, हम लोग वेटिंग करते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि डिजाइन में क्या और क्या या जा सके कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सके। और मतलब अगर उन्होंने इधर 220 का बार देके ऊपर टॉप में दिया है, तो क्या हम लोग डिजाइन में 216 का बार देके कर सकते हैं? करेक्ट, रीडिजाइन करके चेक करना पड़ता है। अगर जहाँ पे भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है हम लोग करते हैं। Correct. ऐसा नहीं है कि कोड विद इन द कोडल प्रोविजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल एएसटी को देखते हुए मैनेज करते हो, एएसटी देखते हो, उसके हिसाब से रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग्स को एग्री करते हो, राइट? इस एएसटी देख के करते हैं, एज वेल एज डिजाइन भी कैसे कौन सा पैरामीटर से किया है वो भी चेक करते हैं पूरा। करेक्ट। तो देखो गाइस, आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक्चुअली इनका काम क्या है। इनका काम है कि जो ऑलरेडी डिजाइन हो चुके स्ट्रक्चर्स उनको इनको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब और कम रेइंफोर्समेंट कैसे दे सकते हैं और सेफ कैसे और सेफ्टी के साथ प्लस थोड़ी बचत कर सकते हैं। एग्जैक्टली इनका ये प्रोफाइल है, राइट प्रकाश? सिर्फ वेटिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं है सर, डिजाइन चेक भी करना होता है पूरा। तो डेफिनेटली अगर ऑप्टिमाइज करो तो चेक तो करोगे ना, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पता चला रेइंफोर्समेंट हमने कम डाल दिया तो फिर गलत हो जाएगा। और छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हम लोग कंसल्टेंट में नहीं देते हैं उनको डिजाइन भी करना होता है। जैसे जैसे आप G+1 है हम लोग का विला हो रहा है, करेक्ट, वहाँ पे पूरा डिजाइन मैनुअली करते हैं हम लोग G+2 वाला, करेक्ट, वहाँ पे पूरा IS 13920 के बाद डाक्टाइल कोड यूज करते हैं, IS 1893 अभिस्मिक कोड यूज करते हैं, S456 यूज करती है, पूरा ढीला होता है इसका, पूरा डिजाइन इन हाउस होता है हम लोग का। करेक्ट। तो ये तुम्हारा एग्जैक्टली अभी इसमें जो करंट प्रोफाइल में तुम इस पे काम कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम कर रहे, राइट? अब ये तुम बताओ कि जैसे कि जो लोग, जैसे कि कोई ड्राफ्टमैन होगा अपने पास जो ये वीडियोस को वॉच कर रहा होगा,
तो उसको अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो तुम क्या रिफर करोगे कि यार ये चीजें पढ़ लोगे तो भाई तुम्हारा फायदा हो जाएगा? पहले तो उसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग अच्छे से आना चाहिए, समझने आना चाहिए, बीम कॉलम जंक्शन का ड्राइंग जो भी है, एज पर SP34 जो हम लोग का डिटेलिंग कोड है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसको सर स्ट्रक्चरल डिजाइन में मैनुअली मैनुअली हम लोग कैसे बीम डिजाइन करते हैं, कैसे कॉलम डिजाइन करते हैं, ये सब आना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि टू गो टू द सॉफ्टवेयर, ई टैब्स फॉर हाई राइज स्ट्रक्चर्स, वी प्रिफर ई टैब्स तो तुम अभी एंड ईटैप पे ही फॉर, काम कर रहे हो? हाँ ई टैब्स सेफ RCDC। करेक्ट। आरसीडीसी में एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हो? RCDC में सर ई टैब्स का जो इनपुट RCDC में डिजाइन होके आता है करेक्ट उसे हम लोग चेक करते हैं, करेक्ट। और रीडिजाइन जो करना होता है शेयर वॉल, हाँ शेयर वॉल रीडिजाइन करते हैं RCDC में। ओके। तो ये तुम अभी आरसीडीसी भी यूज कर रहे हो, सेम भी यूज कर रहे हो और ईटैप्स भी यूज कर रहे हो, राइट? यस तो ओके ग्रेट। और स्टैट प्रो भी काम कर रहे हो? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। स्टैक प्रो में तो सर हम लोग का स्काई ब्रिज हो रहा है, स्काई ब्रिज में स्टील स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, तो वो मेरे को उतना आइडिया स्टील स्ट्रक्चर में नहीं है, तो हो रहा है लेकिन मैं नहीं हूँ ओके। उसमें। तुमने जब एंट्री किया था तो डेफिनेटली तुमने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछे थे, कुछ याद है क्या? मैनुअल डिजाइन का थोड़ा पूछे थे सर कि हम लोग कौन कौन से पैरामीटर यूज करते हैं, करेक्ट क्या क्या कंसिडरेशन करते हैं, कोड कौन कौन सा पढ़ते हैं, हाई करेक्ट राइज बिल्डिंग के लिए, टॉल बिल्डिंग के लिए जो कोड होता है वो कौन सा है, करेक्ट। और सर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है कि नहीं है। तब सॉफ्टवेयर का नॉलेज पूछे थे, तो सॉफ्टवेयर में कुछ मेरे को क्वेश्चन पूछे सॉफ्टवेयर थे? का नॉलेज हाँ उतना नहीं था, सॉफ्टवेयर का नॉलेज उतना नहीं था, मैंने बोला मुझे कुछ चांस दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस सीख के करने का, परफॉर्म करने का, मुझे ग्रेट। चांस दिया है, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरा कंपनी के ये मुझे करेक्ट करेक्ट दे। बिल्कुल। जब तुमको बेसिक लर्निंग थी उसके बाद भी अगर तुमने चेंज किया तो डेफिनेटली डेफिनेटली उन्होंने अच्छा किया, तुम्हारे तुमको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, राइट? चलो बढ़िया। तो अभी तुमने अभी वो जो डिजाइन हो रहा है मुझे साइट पे जाने का भी मौका मिलता है कि मैं जाके देख सकूं कैसे इंस्पेक्शन वो करते एग्जीक्यूट हो हो, रहा है। तो क्या तुम लोग एनओसी भी प्रोवाइड करते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? हाँ जो हम लोग इन हाउस डिजाइन करते हैं उसका एनओसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग का सिद्धा ग्रुप के लिए जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है JW कंसल्टेंट, जेडब्ल्यू है। वो भी हाई राइज के लिए प्रोवाइड करते हैं एनओसी अच्छा, वो लोग हाई राइज आफ्टर के लिए, साइट हाई चेकिंग, राइज के लिए वो लोग एनओसी आफ्टर साइट प्रोवाइड चेक करते हैं। बोथ वी JW एंड वी बोथ प्रोवाइड एनओसीज फॉर हाई राइज। ओके। नहीं तो जैसे कि इन हाउस तुमने किया तो तुमने प्रोवाइड कर दिया, इन हाउस इन द सेंस गाइस कि इन्होंने अपनी कंपनी में किया, और लेकिन जो उन्होंने करके भेजा हुआ है वो लोग प्रोवाइड करेंगे उसको। ओके हाँ ग्रेट। तो वो लोग वो ऐसा, लोग यहाँ पे साइट चेकिंग क्या वहाँ पे है, वो लोग हाँ जाके देखते हैं कास्टिंग से पहले स्टील करेक्ट ठीक है कि नहीं है एज पर अलाइनमेंट कवर ब्लॉक, फिर वो लोग एनर्जी दे देते हैं तो साइट करेक्ट कैन गो फॉर कास्टिंग। करेक्ट। अच्छा ये बताओ, जो अभी फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको क्या सजेशन दोगे कि वो लोग को और क्या क्या पढ़ लेना चाहिए जिससे कि यार वो आए जॉब में तो उनको स्ट्रगल ना करना पड़े? जैसे कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर सीख रहा है तो उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या अगर आए तो उसके लिए बेटर रहेगा, कि जैसे तुमने कैसे कि तुम सीखे मतलब जॉब लगने के बाद तुमने सीखा, ठीक है, तुम्हारी उससे हमसे बात भी हुई थी, राइट? वो पहले से ऐसे क्या कैसी चीज सीख रखे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जिससे कि वो जब वर्क करने आए तो उनको ज्यादा ईजी हो जाए, ऐसे कुछ चीजें पहले तुम्हारे तो दिमाग में सर आया? सॉफ्टवेयर से पहले पहले मैनुअल डिजाइन आना चाहिए, मैनुअली कैलकुलेट करना आना चाहिए, विंड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिस्मिक लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैनुअली आना चाहिए ठीक ग्रेट। है। फिर उसका उसके बाद सॉफ्टवेयर में आना चाहिए, और फोर्थ ईयर में जब आप लोग हैं तभी आपको एक कोर्स कर लेना चाहिए स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर, जैसे आप यूनिक सिविल पे कराते हैं ऐसा है कि कोर्स आप लोग कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट जो होता है उस पर काम करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियरेंस फिर आ आप जाएगा, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। करेक्ट करेक्ट। और मतलब कैसा होता है कि सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमने देखा हाँ होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस सर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो सर हो ही जाएगा, आप अगर हाँ मैनुअली अपना नॉलेज क्लियर रखें एग्जैक्टली। तो यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमने किया है वो सही किया है कि नहीं, ये जांच करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं है वो कैसे हाँ देखेंगे, वो तो मैनुअल डिजाइन करेंगे फिर ना अब पता देखो, चलेगा। तुम्हारा चेक, तुम्हारा तो काम ही एक तरीके से कि तुम क्या बोलते हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अब ऑप्टिमाइज तो वही कर पाएगा जो एग्जैक्टली उसको सही तरीके से उसका निचोड़ जान रहा है मैनुअली। हाँ, क्या करते हैं सर JW में बहुत हाँ बार
डिजाइन करते नहीं है, वो लोग का शीट होता है वो टिपिकल ड्राइंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो करेक्ट हो सकता है कि नीचे ज्यादा बार लगा है ऊपर कम बार लगे है, वो करेक्ट करते नहीं है, वो दे देते हैं, तो हमको उसको फिर से डिजाइन करके उनको बताना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अगर डिजाइन नहीं रहेगा मैं किस बलबूते पे उनको बताऊंगा कि ऐसा करेक्ट काम लगेगा, मुझे डिजाइन भी करना पड़ता है फिर बताना पड़ता है। करेक्ट। तो जैसे वो लोग कस्टम ड्राइंग्स दे देते होंगे कि जैसे पहले से जो डाटा रखा हुआ है उसके बेस पे दे दिया कुछ, फिर उसको हमको क्रॉस चेक हाँ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यस। तो जैसे कि तुम लोग को अभी जैसे तुमको कोई डाटा मिल गया, तुमने देखा कि यार उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइज करने का अप्रूवल तुम्हारे पास होता है या फिर उस कंपनी को भेजते हो कि आप ऑप्टिमाइज करके दीजिए या फिर तुम खुद करोगे? नहीं, मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे इससे हो सकता है, अगर एक बीम में उन्होंने 3:25 के बाद दी है टॉप में, तो अगर मैं मुझे लगता है मैंने डिजाइन करके देखा कि 2:20 के बाद से हो जा रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा 2:20 के बाद से, फिर कॉल पे या मेल पे बात होगा कि कैसे करते हैं कैसे करना चाहिए, ये म्यूचुअली होता है। मॉडल जनरली जो तुम लोग के पास आता है तो मॉडल तो वही रहता है, उसी पर लोड लगाते हो या फिर दूसरा ग्रिड बनाते हो? नहीं, वही मॉडल पे है उसी मॉडल पे कर लेते हो ना, एक्सिस। उसी मॉडल के लोड को देख के उस पर कर दिया। तो मॉडल जो तुम लोग फेस करते हो मैक्सिमम वो इंपोर्ट हुए रहते हैं या फिर ग्रिड से बने हुए रहते हैं? ग्रिड से बने हुए ग्रिड रहते से हैं, बने हुए रहते हैं ना। इंपोर्ट मैं भी हो रहते हैं। हाँ इंपोर्ट भी रहता है बट ग्रिड वाला ज्यादा रहता होगा, हाँ हाँ ग्रिड का ज्यादा, क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई ग्रिड बनाने की प्रैक्टिस करो ईटीएस में, क्योंकि जनरली लोग कैसे कि स्टेट प्रो किए रहते हैं तो इंपोर्ट वाला हैबिट रहता है, और जब क्या बोलते हैं ईटीएफ में करना होता है तो जितनी भी हाई रेंज बिल्डिंग होती है उसमें मैक्सिमम लोग यही चीज देखते हैं कि वो लोग ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड बनाने से ईजी हो जाता है काम करना। अच्छा ये बताओ कि जैसे कि हाई रेंज बिल्डिंग जो तुम्हारे पास आती है तो अभी कितनी मैक्सिमम कितनी फ्लोर की बिल्डिंग तुम्हारे पास आ जाती है? हम लोग का यहाँ पे जितना हाई रेंज हुआ है वो मैक्सिमम G+34 है। G+34 उसमें तो डायनेमिक भी हुआ रहेगा, डायनेमिक हुआ था ना रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, हाँ, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम उसमें है क्या क्या चेक करते हो तुम लोग एग्जैक्टली? वहाँ पे, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कितना लिया है एज पर आवर जोन, एज पर क्रोडल पोजिशन कितना था वहाँ पे। हम लोग के यहाँ पे जैसे R=3 लिया था, ये सब चेक करते हैं। चेक कर लेते हो पूरा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं उसके हिसाब से तुम डिसाइड करते हो। चलो बढ़िया। तो अभी तुम बिल्कुल मिला के अभी तुमको अगर G+35 की बिल्डिंग दी जाए तो यू कैन डिजाइन। कोशिश करूंगा। अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जैसे तुम चेक भी तो कराते होगे ना, तुम्हारा जो सीनियर हो जो होगा उसको चेक भी कराते होगे जब ड्राइंग को एक बार फाइनल कर लेते हो तो चेक करा के फिर उसके आगे। तो अभी मतलब कि डेफिनेटली कर सकते हो, स्टेप्स तुमको पता है बट एक बार क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है उसको, उसके लिए तुम वेट करोगे है ना। बढ़िया। तो इस अभी तुम्हारा कैसे एक प्लान है, अभी तुमने से जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल, अभी तुम आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? जैसे कि तुम डेफिनेटली अभी तुम्हारे जॉब लग मुझे चुकी, अब क्या पढ़ रहे हो? ईटैब सेफ और सीखना है सर, मुझे उतना अच्छा नहीं हूँ शायद, और सीखना है ईटैब सेफ, और मुझे स्टील भी सीखना है थोड़ा, क्योंकि मैं स्टील उतना नहीं आता है मुझे, स्टैट में स्टील सीखना है। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का अपना कोर्स अगर आप लॉन्च करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, स्टील उसमें स्ट्रक्चर जाना है। ईटीएफ में नहीं, स्टैट में स्टेट रूम में, हाँ इसका हम प्लान कर रहे हैं एक्चुअली जनवरी में, हमारा कुछ ऐसा बन रहा है प्लान स्टील स्ट्रक्चर्स का टिपिकल। हाँ बोलो बोलो। मैं अभी देख रहा हूँ सर कि सीनियर प्रोफाइल में जाने के लिए एमटेक शायद कंपलसरी हो गया है, मतलब कंपलसरी नहीं है फिर हाँ भी प्रेफरेबल है उस बहुत जगह पे, प्रेफरेबल प्रीफरेबल होता है, प्रीफरेबल होता है। तो अगर तुम है। चाहो तो पार्ट टाइम डाल दो, ठीक है। MNC में शायद वो नहीं लेते हैं एमटेक छोड़ के, मैं एटकिंस WSP सब देख रहा था सब नहीं कंपनी। अगर तुमको मैं JW की बात करूँ तो JW में अभी मेरा स्टूडेंट है, शायद वो वीडियो भी देख रहा होगा। JW में नहीं लेते हैं, मैं एटकिंस WSP सब का बात कर रहा था। हाँ आज हमने एक स्ट्रक्चर्स का वेबिनार किया था, तुमने अभी नहीं शायद हाँ ज्वाइन मैं, किया, हाँ तो अब देखना उसको वेबिनार को, तुम थे ना वेबिनार में? था। हाँ तो वेबिनार जो किया तो उस वेबिनार में मैंने ना स्ट्रक्चर्स की कंपनीज की लिस्ट दिया हुआ है। अच्छा सर, मैं अगर हाईवे डिजाइन इंजीनियर पे जाना चाहता हूँ करेक्ट। तो वहाँ के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? देखो पहले तो तुम हाईवे पे क्यों जाना चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अभी जहां पर हो इसमें भी तुम नहीं, बहुत हाईवे कुछ नहीं, कर सकते हो। ब्रिज, हाँ समझ गया ब्रिजेस ब्रिज के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ ब्रिज समझ गया, ब्रिज के लिए तुम्हें जो सबसे ज्यादा सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए डिजाइनिंग, और पहले ऑटोकैड तो भाई कंपलसरी है। उसके बाद तुमको CSI ब्रिज सीखना चाहिए, CSI का एक सॉफ्टवेयर आता है ब्रिज, CSI ब्रिज, ठीक है। CSI ब्रिज से अगर तुम्हें टाइम लगता है तो MX रोड सीखो, MX रोड करके एक सॉफ्टवेयर होता है एमएक्स रोड तो सर अलाइनमेंट के लिए है, एलाइनमेंट्स के लिए, तो बट डिजाइन हाईवे का एलिमेंट जरूरी है ना, जैसे कि जब नहीं, तुम मैं डिजाइन का बात करता था, जैसे डिक्स स्लैब, हाँ तो पियर। उसके लिए फिर CSI ब्रिज,
सीएसआई ब्रिज पे पूरा का पूरा काम करते हैं, बट अलाइनमेंट भी देखना पड़ता है। इसलिए जिस कंपनी में जहां तक है सीएसआई ब्रिज यूज हो रहे हैं, वो एमएक्स रोड भी लगभग 90% कंपनियों में साथ में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर मेन ये है। एमएक्स रोड मतलब अलाइनमेंट का पार्ट भी क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्कोप में, जॉब स्कोप में आता है? नहीं, जॉब स्कोप नहीं आता, जैसे कि भी तुम अब डेफिनेटली तुम्हारा काम क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको डिटेल भी तो कर रहे हो ना, उसके डाटा को चेक भी तो कर रहे हो ना। तो जब तुम कभी भी अभी रो चाहे हाईवे की कंपनी में भी जाओगे, तो वहां पर भी तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर अलाइनमेंट सही है तो वेल एंड गुड, नहीं सही है तो उसको भी तुमको क्रॉस चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वही होता है, देखो तुम्हारा बेनिफिट, तुमने रिवार्डेड चेकर से जो तुमने प्रोफाइल स्विच किया स्ट्रक्चर्स में, कैसे किया, ऑप्शंस था ना कि तुमने दिखाया था कि हमको स्टेड आ रहा है, ईटैब आ रहा है, तो दे आर मूविंग यू। और उसके अलावा टेक्ला स्ट्रक्चर्स करके सॉफ्टवेयर होता है, टेक्ला स्ट्रक्चर्स, उसका थ्री बहुत डिटेलिंग, स्टील रिटेलिंग के लिए। ठीक है, कुछ कंपनियां टेक्ला थ्री स्ट्रक्चर्स डिटेलिंग यूज स्टील करती का। हैं, कुछ कंपनियां SDS2 करके एक सॉफ्टवेयर होता है हाँ, वो यूज मेरा करती पिछला कंपनी में भी टेक्ला स्ट्रक्चर था जो थ्री डिटेलिंग करते थे है। स्टील हाँ का। और तो ये कुछ मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको अगर तुम सीख लेते हो तो हाईवे डिजाइनिंग में तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। मुझे जस्ट जानना था, मुझे जाना नहीं है, मैं बिल्डिंग हाँ पे। सही है, ठीक है, बिल्डिंग में अभी तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें FEM के बारे में पढ़ो, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारा ग्रोथ ज़्यादा होगा, ये क्योंकि अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कि भाई FEM पे ही ज़्यादा ज़्यादा वर्क करो। ठीक है, अभी ERP मटेरियल्स हैं, अभी तुमको आज पढ़ा रहा था ना प्रेजेंटेशन में, कई ढेर सारे नए नए मटेरियल्स, फ्यूचर मटेरियल्स, ठीक है, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाले मटेरियल्स अगर यूज में आ गए तो उनके लिए, यस, उनके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग कंक्रीट पे काम कर रहे हैं, बट फ्यूचर कंक्रीट पे नहीं है, ये फिक्स है। ठीक है, अल्ट्रा वर्जन आने वाला है हर चीज का, तो मेरा सजेशन रहेगा कि तुम उनको ग्रो करो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अपना पोर्टफोलियो अगर बनाए हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाओगे तो उससे क्या होगा, तुम इतने काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे कंपनी में आए तो मुझे कैसे पता कि तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, गॉट इट। तो उसके कुछ डाटा का तुम्हें स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा, अपने पास प्रूफ रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि प्रकाश को बहुत कुछ आता है सिविल में, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रोफाइल पर आपने बहुत काम कर लिया, बट आप मेरे कंपनी में आए तो मैं आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखूंगा ना, कि ठीक है एक लड़का है जिसने 2 साल 3 साल काम किया, राइट, लेकिन इस 2 3 साल में एक लड़का हो सकता है जो कि G+2 G+3 पे ही काम किया हो, एक लड़का हो सकता है जो G+30 पर काम किया हो, दोनों फर्क होना चाहिए ना, और फर्क कौन बताएगा, पोर्टफोलियो बताएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप चले जाओगे तो मैं, मेरे माइंड में तो यही होगा ना, ठीक है ना, G+2 G+3 में इसने किया है, इसने भी G+5 तक किया होगा, तो मैं तुम्हारी जो सैलरी का जजमेंट है मैं वहां से लूंगा, एज कंपेयर टू कि तुम्हें और कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम और अच्छा सीख रहे प्रोजेक्ट के हो। ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा। हाँ, प्रोजेक्ट के लेवल कितना है, मैंने तुमसे क्या बोला कि G+30 रिजाइन कर लोगे, ठीक हाँ है, हाँ हाँ तो अभी कैसे होता है, इससे हमें आइडिया लगता है कि तुम कितने ऊपर तक आए हो। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस सिर्फ बोलना आसान है, ठीक है, उसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट्स है, समझ रहे हो, तो इसलिए इसके बारे में मैं तुमको एक डायनेमिक का मेरे पास PPT है, लगभग 250 300 पेज का, उसको दूंगा तो पढ़ लेना डायनेमिक के बारे में डिटेल में, तो डायनेमिक का बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हाई रेंज बिल्डिंग मतलब डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, अभी तुम लोग विंड लोड भी यूज कर रहे हो, लोड में जो भी लोड यूज कर रहे हाँ हो, कितने फ्लोर की हाँ बिल्डिंग्स में, 875 पार्ट। नहीं नहीं वो तो कोड का नहीं बात कर रहा हूँ, जो बिल्डिंग्स आ रही है उन बिल्डिंग्स में जो JW दे रहा है, तो वो लोग क्या विंड विंड भी यूज कर रहे हैं हाँ सर, भी यूज और कर रहे सेस्मिक भी यूज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग्स पे विंड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनरली छोटी बिल्डिंग्स पे विंड नहीं यूज करते नहीं, हैं। छोटी बिल्डिंग्स पे यूज नहीं करते हाँ, हैं। हम लोग का तो सभी हाई राइज है, यूज कर रहे हैं। मतलब G+10 जी के ऊपर है प्लस तो यूज कर रहे होंगे, 10 के ऊपर, हाँ G+8 के ऊपर जो है उसमें यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं। ठीक है, 8 to 10 के ऊपर जो रहते हैं बिल्डिंग्स उसमें जनरली यूज करना चाहिए, और उसके बाद सेस्मिक तो डेफिनेटली यूज ही कर रहे हैं, डायनेमिक तो यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा लगा, इससे काफी लोग सीखेंगे कि हाँ यार मैं जो मैनुअल पे भी फोकस करना है। हाँ बोलो। आपका मेरे लिए क्या सजेशन है? मैं अभी क्या ग्रो कर सकता हूँ, क्या क्या सीख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ और कि मैं ज्यादा ग्रो कर पाऊँ? ओके ग्रेट, देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुमने, जैसे तुमने बताया कि तुम मैनुअल के पार्ट पे तुम स्ट्रांग हो चुके हो एज यू सेड, राइट, अगर नहीं हो चुके तो पहला चीज तो वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि तुम अभी जैसे ETFs कर रहे हो, ठीक है, तो ETF पर बड़ी बड़ी एनालिसिस पे फोकस करो, जैसे P-डेल्टा इफेक्ट्स पे फोकस करो, ठीक है, टाइम हिस्ट्री पे करो, पुश ओवर एनालिसिस पे इफेक्ट करो, क्योंकि देखो नॉर्मल चीजें तो तुमको आ रही है, अब बात आ गई एडवांस की, तो इसमें ये करो, ETF में अगर सेफ में कर रहे हो तो सेफ में मैट फाउंडेशन पे फोकस करो। ठीक है, मैट फाउंडेशन है,
फ्लैट स्लैब है। अब फ्लैट स्लैब में अभी देखो अलग अलग ड्रॉप पैनल लगा दिया, कॉलम हेड लगा दिया, तो फ्लैट स्लैब पर फोकस करो कि हम लोग फ्लैट स्लैब, क्योंकि अभी फ्लैट स्लैब देखोगे कई ढेर सारी बिल्डिंग तुम तो कर रहे होगे, कई बिल्डिंग्स में फ्लैट स्लैब भी बहुत ज़्यादा डिजाइन हो रही है पार्किंग एरिया में, राइट। तो हमें फ्लैट स्लैब का अगर नॉलेज होगा तो अच्छा होगा। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, और इनसे भी बड़ी चीज़ है कि तुम अपना पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ जिससे कि सामने वाली कंपनी तुम्हारे पावर को समझ सके अगर तुमने बड़ा काम किया हुआ है। अगर वो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी जनरली 2 साल के आसपास का है अप्रॉक्स, 1.5 साल, राइट, ठीक है। तो अब ये एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन तुमने 2-3 साल 1.5-2 साल में काम बहुत कर लिया है ड्यू टू प्रेशर या फिर जो भी बोलो, है ना। तो उसका एक हमारे पास स्लैब होना चाहिए, हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि यार इतनी चीजें मुझे अच्छे तरीके से आती हैं। और अगर ये तुम लेके जाते हो नेक्स्ट कंपनी में तो डेफिनेटली तो वहां पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। और साथ ही साथ एक और सजेशन दूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उन प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि सामने डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में लिंक्डइन पर अपने रखो डाटा, ठीक है। जितना तुमको लगता है कि इतने समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या होता है अलाउ नहीं करती है जो उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस लिए, तो उनके अगर तुम्हारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अगर लिंक्डइन पर अच्छा रखोगे तो क्या होता है कि लिंक्डइन पे थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए तुमको, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, लिंक्डइन पर थोड़ा सा अगर अपडेट रहोगे तो, अगर मेरी कंपनी है मैं डेली चेकआउट कर रहा हूँ तो मुझे याद आएगा ना प्रकाश बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट करता है, इसको कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे होता है कि तुम जो कर रहे हो वो दो लोगों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि पोर्टफोलियो बनाओ, पहला चीज ये दिखाने के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज जो भी काम कर रहे हो उसका कुछ पार्ट जो पॉसिबल हो वो पार्ट लिंक्डइन पर जरूर शेयर करो, क्योंकि वहां पर बहुत ढेर सारे एचआर, बहुत ढेर सारे कंपनियों के जो एमडीज होते हैं वो वहां पर रहते हैं, तो वो ना डायरेक्ट सर्च करते हैं स्टेटो इम्प्लॉयज, ठीक है, ऐसे करके ईटेस्ट इम्प्लॉय सर्च करते हैं, तो उसी का नाम आगे आता है जो एक्टिव रहता है, इसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अभी तुम गूगल पे डालोगे, मेरा मोबाइल नंबर भी डाल दोगे तो कैसे होगा कि तुरंत दिखा देगा इंजीनियर आकाश पांडे, ठीक है। मोबाइल नंबर इतना फेमस हो जाता है, क्यों, क्योंकि डेली यूज में आता है किसी न किसी वीडियो के फॉर्म में या फिर वेबसाइट पर या फिर किस कुछ कई कोई यूज कर लिया, तो इसको बोलते हैं एसईओ। तो तुम्हें भी अपने पेज का मतलब अपना जो लिंक्डइन पेज है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज डेफिनेटली ई टैब और सेव सीखो। तीसरी चीज मैं बोलूंगा कि डायनेमिक का फुल नॉलेज लो, और डायनेमिक में भी तुम फोकस करो कि क्या बोलते हैं टाइम स्ट्री, पुश ओवर, पी डेल्टा इफेक्ट्स, इनके बारे में पढ़ो, आपके ऑल इन वन पे ये सब है ना सर, ये पी सब कुछ है डेल्टा ऑल इन वन जो। में, ये सब कुछ है, ठीक है। ऑल इन वन का जो ई टैब वाला सेक्शन है उसमें डायनेमिक को बहुत डिटेल में जाके हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि डायनेमिक मेरा फेवरेट पार्ट है, और एक्चुअली में डायनेमिक सबसे टफ पार्ट होता है, ठीक है। डायनेमिक को मतलब मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो पहले बोल देता हूँ कि जिसका कॉन्सेप्ट बहुत वीक होगा उसके ऊपर से जाएगा, तो टेंशन मत लेना दोबारा पढ़ना। तो जब 2 से 3 बार डायनेमिक्स पढ़ते हैं तब जाके उनको अवेयरनेस होता है। और लास्ट में ये बोलूंगा कि चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, ठीक है, हमें डेली अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा देना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने आप को 1 घंटा आधा घंटा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पता है क्यों, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है कि जब हम अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे उस तरीके से तो डेफिनेटली, अगर देखो 2 तरीके का खाना है, एक खाना है फास्ट फूड मतलब पिज्जा खा लो, एक खाना है बादाम, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर हम टाइम पास कर रहे हैं मतलब हम पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं अगर हम बादाम खा रहे हैं दैट मीन कि हम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अपना एक शेड्यूल हर एक इंजीनियर का होना चाहिए। जनरली जॉब में क्या होता है प्रकाश कि अभी तुम थोड़ा सा और बढ़ोगे, जैसे कि तुम सपोज मेरी जब सैलरी थी लगभग 40 से 45 के बीच में, तो एज अ बैचलर क्या होता है कि हमारे पास इतना पैसा हो जाता है कि आपको लगता है यार बहुत है, ठीक है। जब तुम्हारे पास 40 45 की जब तुम्हारे पास सैलरी आएगी तुमको लगेगा कि खर्च तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो हम रेस्ट मोड में चले जाते हैं कि वाई वी गो फॉर नेक्स्ट, लेकिन वही गलत टाइम होता है। मैंने भी लगभग मेरा साल भर खराब हुआ था, तो अगर सीखना है मेरे उस गलती से तो मैंने उस गलती में यही किया, उस साल मैंने कुछ अपग्रेड नहीं किया, मुझे लग रहा था मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं बहुत एकदम रॉयल वाली जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। और वो पता तब चला कि जब मेरे किसी दोस्त का जब बड़ा पैकेज लगा, मुझे लगा हम कर के रह रहे हैं, ठीक है, तब अवेयर हुआ, तब जाके पढ़ना स्टार्ट कर लिया। लेकिन अगर उस टाइम पर मैंने स्विच किया होता तो डेफिनेटली मेरी सैलरी और ज़्यादा होती। तो यही सब बोलूंगा कि डेली स्टडी करने का शेड्यूल निकाल लो, ठीक है, और तुम अभी राइट प्लेटफॉर्म पे हो। हमारी तुमसे बात हुई थी आज से लगभग कितने महीने पहले बात हुई थी पहली बार में, तब जब तुम रिवार्ड चेकर के प्रोफाइल पे थे। तो
8-10 महीने पहले, ठीक है 8 महीने तो मैं इस कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, पिछला कंपनी में तो 10 महीने हो गए, दस 10 महीने हो महीने गए, ठीक है। तो तुमने बोला था ना सर मैं क्या करूं, तो मैंने तुमको बोला था कि तुम एक अच्छी प्रोफाइल में आओ, और अब तुमने वो किया, तुम डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल पर आ गए। अब है कि इसमें भी बड़ा करना है, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि पहले बिल्डिंग को खत्म कर लो, किसी और इंडस्ट्री का अगर सीखना चाहो कोई बुराई नहीं है, बट पहले बिल्डिंग को खत्म कर लो, खत्म इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि जी बस 35 कर पूरा सीख। दिया, एनओसी में दे सकता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कल को अगर तुम स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट बनते हो, खुद का खुद ऑपरेशन करते हो, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस खुद का होना चाहिए ना, ठीक है। कल को तुमने अपना लाइसेंस बनवाया, ठीक है, और लाइसेंस बनवाने के बाद तुमने अगर खुद का पार्ट टाइम काम लेना स्टार्ट किया, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो आज से 1 साल 1.5 साल के बाद तुम चाहो तो अपना लाइसेंस बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है उसमें, और उसके बाद तुम साइड बाई साइड अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कंपनी से तो अर्न करोगे ही करोगे, तो इसमें तुम्हारा अच्छा पैसा बन जाता है, ये मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। तुम कुछ बोलना चाहोगे जो फ्रेशर्स हैं उनको कुछ बोलना चाहोगे जो तुम्हारी वीडियो को देखेंगे, जो तुमने कुछ गलती की है वो बताओ कि मैंने ये गलती की थी अपने कैरियर में। से यही बात करना है कि हर सेमेस्टर से सिविल का जो कोर पढ़ाई है उनको सीरियस ले ले। आरसीसी डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर स्ट्रक्चर में आना चाहिए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एसएफडी, वीएमडी, डिफ्लेक्शन, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर ही तुम स्ट्रक्चर में जा पाओगे। हम लोगों ने तो सर पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर थोड़ा लैग हो गया, इसलिए थोड़ा ट्रैक से भटक गया था। करेक्ट, फिर जॉब के आने के बाद पता चला कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो उसको फिर से पढ़ना पड़ा था। तो प्रेशर से करेक्ट, इतना ही है कि सीरियसली ले थर्ड फोर्थ ईयर को प्रॉपर और कॉलेज वाली जो स्टडी है थोड़ा सा उसको प्रॉपर पढ़े, क्योंकि बाद में वो पढ़, बहुत हेल्प में आता है। बहुत हेल्प करते हैं। चलो थैंक यू सो मच प्रकाश, इन लोग को शायद कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है, तुम्हारे अच्छाइयों से भी तुम्हारे बुराइयों से भी बुराइयां, क्या कि हमने जो मिस्टेक किया, ठीक है, हाँ, मिस्टेक। हर कोई अपने करियर मिस्टेक। अभी देखो मैंने बताया ना कि मैंने 1 साल स्टडी नहीं की, क्यों, लगता था मेरी सैलरी काफी अच्छी है, ये माइंडसेट होता है ना, ठीक है, तो हमारा सैलरी मैंने भी बहुत तो अच्छी। नहीं किया, वो हाँ कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने कुछ स्टडी नहीं किया, हाँ ये बहुत दिक्कत होता है, फिर बाद में तो फिर 2 साल कब गैप कब चला तुमने गया। स्टडी स्टार्ट किया? मैंने स्टडी स्टार्ट किया लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन में भी नहीं किया, लॉकडाउन भी चला गया। जब जॉब मिला तब खुशी था बहुत कि जॉब मिल गया है, फिर जॉब मिलने के बाद पता चला कि मैं कितना वीक हूँ इस सब सब्जेक्ट में, करेक्ट, तब मैंने स्टार्ट जब किया, काम मुझे करने लगो तो स्विच लगता करना है ये तो पड़ा। मुझे आता ही नहीं है, तो उसके लिए आदमी को जबरदस्ती जाके पढ़ना पड़ता है। हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब हम लोग 3D ड्रिलिंग वगैरह टेक्ला में जब करते थे ना, तो कुछ चीजें आती ही नहीं थी, ठीक है, तो जैसे कि हैंगर बार कैसे लगाना है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता था। फिर जाके घर पे बैठ के पढ़ते थे, हम एक एक चीज को ड्रॉ करते थे ऑटो कैड वगैरह में, फिर उससे जब आ जाए तब जाके 3D ड्रिलिंग करते थे। तो आई थिंक डेफिनेटली कॉलेज ऑफिस के टाइम में आप देखो दो तरीके के एम्प्लॉई होते हैं, एक एम्प्लॉई होता है हम लोग जो, के कॉलेज में है ना सर, हाँ मतलब बीटेक में, अगर आप लोग एक प्राइवेट कॉलेज से है उतना आपको डिटेल में पढ़ाता भी नहीं है, हाँ आपको कंटिन्यू लर्निंग करना है, किसी और प्लेटफॉर्म से हो कि यूट्यूब के माध्यम से हो, आपको लर्निंग करते जाना है, प्रैक्टिकली करेक्ट, सीखना है वो चीजें, कॉलेज आज के में टाइम में तो उतना यूट्यूब सबसे अच्छा होता नहीं। सोर्स हो सकता है, यूट्यूब सबसे अच्छा सोर्स है, यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, यूट्यूब के आपके चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ आपके करेक्ट, चैनल नहीं बहुत साइट से का भी चैनल हैं बहुत जो नॉलेज स्ट्रीमिंग में जो मिलता है, अच्छा कर बहुत। रहे हैं सबको वॉच करना हाँ चाहिए। तो मैं खुद भी ये बोलता हूँ कि भाई ठीक है, अगर यूट्यूब से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, अब देखो आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब इसे बहुत सी लर्निंग्स हैं जो लोग सीख सकते हैं। पहली लर्निंग ये है कि अगर गलत प्रोफाइल में हो तो सही प्रोफाइल में आ जाओ, ठीक है, सबसे बड़ी लर्निंग ये है, ठीक है। दूसरी प्रोफाइल लर्निंग ये है कि अगर हमने सीख रखा है, मतलब हमारी जॉब लग चुकी है, अब हमें अपग्रेड होते रहना पड़ेगा, ठीक है, और डेफिनेटली उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर हम किसी एक प्रोफाइल को अगर हमको जानना है तो उसको इतना तक जानो कि उसमें प्रोजेक्ट सबमिट कर सको। जैसे मैंने तुमको बोला कि भाई अब एनओसी तक हम पहुंच चुके हैं, एनओसी दे दिया, मतलब समझते हो ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का सबसे अप लेवल होता है एनओसी। जब आप खुद से बोल दो कि मैं एनओसी दे रहा हूँ, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो गए ना उस काम को करने के लिए, तो ये लेवल तक अगर पहुंचना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पहुंचना चाहिए। चलो होप सो तुम अपने लाइफ में अच्छा करो, और तुम्हारे लाइफ से कुछ और लोग सीखें, कुछ और बड़ा करो, फिर से हम लोग एक दूसरे को प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे नए नए नॉलेज, ठीक है। कुछ और पूछना है तुमको?
बोल रहा था कि वो स्किल स्ट्रक्चर का कोर्स अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो हेल्प होता बहुत आपके चलेगा, लिए। मैं प्लान करता हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, उसमें पीवी का लेके आऊंगा। ठीक है, पीवी का ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ना जो मार्केट है वो पीवी का ज्यादा है। स्टील स्ट्रक्चर में ना दो है, एक है कन्वेंशनल स्टील है, आई सेक्शन, ये सारी चीजों का चैनल हाँ, सेक्शन। ये टीवी तो टेपर्ड सेक्शन हो गया, मतलब हाँ, कस्टमाइज सेक्शन हो गया। अभी कस्टमाइज ही मार्केट में ज्यादा चल रहा है। अगर हाँ, वो तुम इकोनॉमिकल है ना। इकोनॉमिकल है 30%, अब सोचो कि एक प्रोजेक्ट 1 करोड़ में होने वाला था, वो प्रोजेक्ट हो गया 70 लाख रुपए में, तो हर कोई वही प्रीफर कर रहा है ना। तो इसलिए पीबी के बारे में डेफिनेटली एक और कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, लाइव कोर्स लॉन्च आपका करेंगे। पीवी का कोर्स है शायद? पीबी का कोर्स है मेरा, ठीक है, लेकिन एक लाइव लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली लाइव से तुम्हें और ज्यादा लर्निंग मिलती है, क्योंकि उसमें डेली प्रोजेक्ट्स करोगे और नई नई चीजों को और सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच प्रकाश। ठीक है, होप सो हम लोग जल्दी फिर से बात करेंगे। थैंक यू। हाँ ओके हाँ ओके।